हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज हम जान पाएंगे और ये लेक्चर वन है रिफ्रैक्शन पर। इस कोरोना टाइम में जब आपके स्कूल बंद थे, आपके स्कूल नहीं खुल पा रहे थे, आप स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो CBSE ने इसलिए सिलेबस में कटौती की है और सिलेबस थोड़ा कम किया है, जिससे रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर्स रे ऑप्टिक्स के इस चैप्टर से हटाया गया। बट मैंने आपके लिए वो वीडियोस डाली हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में तो वो आएंगे, तो वो टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। CBSE में आपके लिए वो नहीं पढ़ने हैं, CBSE में उन पर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एंट्रेंस के लिए वो आपको पढ़ने होंगे, इसलिए उनकी वीडियोस हमने डाली है। आज रिफ्रैक्शन, यहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, जो आपके स्कूल टेस्ट में आएगा और आपको फाइनल एग्जाम्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब पूरा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होने के बाद। रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे इस तरह से, लाइट को एक रे से डिनोट कर रहा हूँ, लाइट को एक रे से डिनोट कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये लाइट का एक सोर्स है भाई, मान लीजिए ये लाइट का एक सोर्स है जो कुछ लाइट आपके पास प्रोड्यूस कर रहा था इस तरह से, तो लाइट का अगर एक सोर्स कंसीडर किया जाए, तो हमारे पास लाइट का अगर एक सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, सन, स्टार्स, बल्ब, कुछ भी इस तरह का हमारे पास ये एक सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था और ये लाइट कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, तो हम एक रे का यूज कर पा रहे थे। ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और हम एक रे का यूज कर पा रहे थे इसे डिनोट करने के लिए। ये लाइट जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसकी स्पीड है कुछ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। और अगर हम वैक्यूम की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर यहाँ वैक्यूम है तो लाइट की जो स्पीड है वो सी से डिनोट की जा सकती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। तो इस तरह से लाइट की स्पीड को डिनोट किया जा सकता है वैक्यूम में। जब ये मीडियम क्या है, वैक्यूम की बात हो रही है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर मैं बात करूं अगले चैप्टर में, मैं कहूंगा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट इस तरह की वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। एक वेव की जो लेंथ होती है उसे वेव लेंथ कहा जाता है। और ऐसी ऐसी कितनी साइकिल्स एक सेकंड में बनेगी, सभी बच्चे समझ सकते हैं भाई। लैम्ब्डा, लैम्ब्डा क्या है, इस वेव की वेव लेंथ। ये क्रेस्ट बना और ये ट्रफ बना, तो ये एक वेव है और इस वेव की वेव लेंथ कितनी है, लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा इसकी वेव लेंथ है और ये डिस्टेंस है इस क्रेस्ट से लेके अगले क्रेस्ट के स्टार्ट होने के बीच का डिस्टेंस है। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ। और ये लैम्ब्डा, ये लैम्ब्डा इसकी वेवलेंथ अगर बन गई है और ये पूरी एक वेव बनने में, ये पूरी एक वेव बनने में टाइम कितना लिया, कैपिटल टी। कैपिटल टी को कहेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी को कहेंगे टाइम पीरियड कहेंगे इसको यहां पर इस तरह से। तो स्पीड, स्पीड का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, लाइट की स्पीड कितनी होगी, स्पीड का तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया लाइट ने और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया लाइट ने। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया लाइट ने और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लिया लाइट ने। स्पीड, स्पीड लाइट की सी से डिनोट कर दी मैंने यहां पर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लैम्ब्डा। भाई यहां से यहां पहुंचने में ये लेंथ कितनी है, लैम्ब्डा, जितनी इसकी वेवलेंथ है। अलग अलग तरह की लाइट होंगी
उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी, वेवलेंथ होंगी। रेड की वेवलेंथ अलग है, ग्रीन की अलग है, वॉयलेट है, इंडिगो है, येलो है, हम इन सब की विबग्योर, हम विबग्योर की फॉर्म में पढ़ते थे कि सात तरह के कलर्स होते हैं, रेनबो दिखाई देता है आपको, विबग्योर की टर्म्स में हम पढ़ते थे। तो हम अलग अलग, इसके अलावा बहुत सारी है भाई, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वॉयलेट रे, इंफ्रा रेड रे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स हैं, इस तरह की बहुत सारी क्या होती हैं, लाइट्स होती हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी होती है उनकी। तो लैम्ब्डा डिस्टेंस है, और डिवाइडेड बाय टाइम किया जाए तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला मैं बना रहा था यहाँ पर, और मैंने आपको अब ये बताया, मैं आपको ये बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्ब्डा वेवलेंथ है यहाँ पर भाई, टाइम का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी, टाइम का रेसिप्रोकल, ये एक साइकिल पूरा करने में टाइम टी लग रहा है, एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल बनेगी वो फ्रीक्वेंसी हुई, तो एक सेकंड में कितना लैम्ब्डा, भाई मान लीजिए पांच साइकिल बनी, एक साइकिल मान लो एक सेंटीमीटर की है, तो एक सेकंड में पांच सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो वो स्पीड हो गई डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम या वन सेकंड भाई। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ लिखा जा सकता है। इसका मतलब मैंने ये जाना, लाइट की स्पीड है सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या लिखा जा सकता है, लैम्ब्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या लिखा जा सकता है, लैम्ब्डा लिखा जा सकता है। ये लाइट की स्पीड का एक फॉर्मूला बनाया मैंने, क्यों बनाया भाई मैंने, मैं आपको ये कह रहा हूं, लाइट अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है जब वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, जब वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। लेकिन जब ये लाइट वाटर में एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करेगी, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए जिसको लाइट क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, उसके अंदर से पास हो सकती है, मिरर नहीं होना चाहिए। हमने मिरर्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा मिरर तो ओपेक है, लाइट इस पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहते हैं जिसको लाइट, जिसमें लाइट एंटर कर सके। तो स्विमिंग पूल में लाइट एंटर कर सकती है पानी में, ग्लास, ग्लास स्लैब 10th क्लास में आपने शायद देखी हो, नहीं देखी होगी तो मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो ये आप जान सकेंगे यहाँ पर कि ग्लास लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर सकती है। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, और इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट का एक सोर्स था आपके पास, और लाइट के इस सोर्स के साथ आपने ये जान लिया कि लाइट की स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ लिख सकते हैं, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, 3×10⁸ मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में है। तो उसके बाद वो पानी में एंटर करती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद ग्लास में एंटर करती है डिक्रीज हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड में चेंज आने वाला है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड में चेंज आने वाला है, और इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि हमें ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ना है। तो इस रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में रिफ्रैक्शन है क्या, डेफिनेशन से समझाइए, आप डायग्राम बनाकर समझाइए। तो बिल्कुल इस तरह से हम समझेंगे, सबसे पहली बात आप एक इस तरह की लाइन बना दी मैंने, ये दो मीडियम्स का इंटरफेस है, मतलब मान लीजिए ऊपर वैक्यूम है या एयर है,
एयर में और वैक्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना मैंने। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में है, वैक्यूम से लाइट एयर में जब आती है थोड़ी सी स्पीड उसकी डिक्रीज हुई होगी, लेकिन ये 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। इसलिए ये जो चेंज है वो नेगलेक्ट कर दिया गया। मैं वैक्यूम में थियोरेटिकली बात करता चलूंगा, थियोरेटिकली अब हम पढ़ते चलेंगे। एयर को वैक्यूम के बराबर ही मानिएगा भाई, एयर को वैक्यूम के बराबर ही लेकर चलिएगा। तो ये एक इंटरफेस, ये एक मैंने लाइन जो बनाई है इस तरह से, ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। मान लीजिए ये ऊपर वैक्यूम है, मैं वैक्यूम कह देता हूँ, फिर से मैं बता दूं वैक्यूम होगा नहीं हमारे पास जब हम यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वैक्यूम की बजाय एयर होगी और कोई ज़्यादा डिफरेंस मैंने नहीं माना है इसके अंदर। तो ये ऊपर यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये ऊपर यहाँ पर एयर है और ये ऊपर यहाँ पर एयर है। एयर हमारा पहला मीडियम है, एयर को मीडियम नंबर वन नाम दीजिए। ये यहाँ पर मान लीजिए वाटर है, वाटर को मीडियम नंबर टू नाम दीजिए। तो वाटर को मीडियम नंबर टू नाम दीजिए इस तरह से। भाई ये पहला मीडियम रेयरर कहलाता है। क्या होते हैं ये रेयरर एंड डेंसर? ये दूसरा मीडियम डेंसर कहलाता है। पहला मीडियम रेयरर कहलाता है और ये दूसरा मीडियम डेंसर कहलाता है। ऐसा क्यों कहते हैं हम इनको, हम जानेंगे अभी। मैं ये कह रहा था लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये पहला मीडियम है और ये एयर है, इसे रेयरर मीडियम कहेंगे। यहाँ वाटर है, ये मीडियम टू है, इसे डेंसर मीडियम कहेंगे। और लाइट ओब्लिकली आनी चाहिए, लाइट ओब्लिकली आनी चाहिए, तिरछी आनी चाहिए इस तरह से। अगर लाइट इस केस में बिल्कुल सीधी आएगी, अगर लाइट इस केस में बिल्कुल सीधी इस तरह से आएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हम कहेंगे रिफ्रैक्शन नहीं होगा रिफ्रैक्शन। तो इसलिए लाइट को आपने, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता इस तरह से, लेकिन फिलहाल हमने क्या कंसीडर किया है, एक ऑब्लिकली लाइट आई है इस तरह से। तो ये लाइट जो ऑब्लिकली आई है, ये लाइट आपकी जो यहाँ आई है, इसका नाम है इंसीडेंट रे। ये रे कैसी है भैया आपके लिए? इंसीडेंट रे है। और इंसीडेंट रे जहाँ पर इंसीडेंट हुई है, इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर आप एक नॉर्मल डालिए। तो इस इंटरफेस पर हमने एक नॉर्मल जो रे कंसीडर करी है, ये एक नॉर्मल रे है इस तरह से। तो ये एक नॉर्मल रे कंसीडर करिए, नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, इसके बाद मैं बता रहा हूं भैया आपको, रेयरर मीडियम वो होता है जहां लाइट की स्पीड ज्यादा है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें जाने से लाइट की स्पीड कम हो गई है। यानी कंपैरिजन करने पर आपको पता चलेगा कि कौन रेयरर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है। लाइट अगर वैक्यूम से एयर में आई है तो वैक्यूम रेयरर है और एयर डेंसर मीडियम है। बिकॉज क्योंकि एयर में आने पर लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई होगी, तो कम हो गई है जहां पर वो डेंसर है और जहां ज्यादा थी वो रेयरर है। अगर लाइट एयर से वाटर में जाती है तो और स्पीड कम हो जाएगी, यानी अब एयर हमारे लिए रेयरर मीडियम है और वाटर अब हमारे लिए डेंसर है। अगर वाटर से लाइट ग्लास शीशे में जाएगी तो वाटर में स्पीड ज्यादा रही होगी और ग्लास में और कम हो जाएगी, यानी ग्लास और ज्यादा डेंसर है। ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर, इसलिए हम वाटर को रेयरर कह देंगे और ग्लास को डेंसर कह देंगे। तो कौन रेयरर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है,
ये कंपैरिजन करने पर आपको पता चलता है कि लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज हुई होगी, डेंसर से रेयरर जाएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। रेयरर उसको कहेंगे जिसमें लाइट की स्पीड की वैल्यू ज्यादा थी, डेंसर उसे कहेंगे जिसमें जाने से लाइट की स्पीड पहले के मुकाबले कम हो गई है। तो रेयरर और डेंसर लाइट की स्पीड पर डिपेंड कर रहे हैं कि क्या चेंज दिखाया। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और ये बाद में जानने की बात है, मेन बात है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। भाई लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस केस में जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका रिफ्रैक्शन हो गया है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, और ये दूसरे मीडियम में जाने के बाद इसका पाथ थोड़ा चेंज हो गया और इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, जिसका रिफ्रैक्शन हो गया है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और इसने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, इसने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। हर एक बच्चा इस बात को अच्छे से जान ले, हर बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि भाई मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। अगर वो रेयरर से डेंसर जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। अगर वो डेंसर से रेयरर जाएगी तो उस केस में स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और उस केस के अंदर जो रे थी वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं दोबारा से एक इंटरफेस बनाऊं, अब की बार ये ऊपर वाटर है, मान लीजिए ऊपर वाटर है और ये मीडियम हमारा फर्स्ट है और ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है एक्वेरियम। अब ये मैं सोचेगा पानी ऊपर कैसे आया, सोच लिया है तो मैं बता दूं एक्वेरियम है मान लीजिए, तो ऊपर एयर से लाइट एक्वेरियम में एंटर करती है और फिर दूसरे सरफेस से मान लो बाहर आ जाती है। एक्वेरियम इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वाटर यहाँ पर पहला मीडियम है डेंसर, और एयर यहाँ पर दूसरा मीडियम बना दिया मैंने जिसमें लाइट जाएगी, और वो मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है इस तरह से। अब की बार लाइट आकर इंसिडेंट होती है तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई है, आप इस पॉइंट पर एक नॉर्मल डाल दीजिए, तो आप इस पॉइंट पर एक नॉर्मल डाल दीजिए और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, लाइट डेंसर से जब रेयरर जाएगी स्पीड इंक्रीज होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है, यहाँ पर लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है, यहाँ पर लाइट की स्पीड इंक्रीज हुई है, यहाँ रेयरर से डेंसर गई है, यहाँ डेंसर से रेयरर गई है, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हुई है, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हुई है। हर बच्चे को ये बात क्लियरली समझ में आई हो किस मीडियम से किस मीडियम में जाने पर क्या चेंज आएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, अभी, और आप ये डायग्राम फिर उसके नीचे बना लेंगे, उस डायग्राम के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, हर बच्चे के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं,
और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर लिख लीजिए। मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को किस तरह से एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को किस तरह से एक्सप्लेन किया, मैंने ये कहा व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, मैंने कहा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, when light travels from one transparent medium to another, there is a change in speed and direction. This phenomenon is called refraction or refraction of light. तो पूरी डेफिनेशन हर बच्चे को ये समझ में आई हो, पूरी डेफिनेशन ये हर बच्चे को क्लियरली समझ में आ गई हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कुछ चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आता है और इस फिनोमेनन को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और कब कैसा चेंज आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो भाई इस डायग्राम के साथ में तो लिख लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं यहाँ पर, इस डायग्राम के साथ दूसरी बात आएगी, उसके साथ अलग बात आएगी, तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप इस डायग्राम के लिए लिखिएगा, इस डायग्राम के आप इस तरह से कॉलम डालकर लिख सकते हैं, क्लाउड बना लीजिए, बादल बना लीजिए भाई, और लिखिएगा when light travels from rarer to denser medium, its speed decreases and bends towards normal, और ये normal की तरफ bend हो जाती है, और इसकी speed क्या हो जाती है, decrease हो जाती है। तो इस diagram में ये बात आएगी, जो denser से rarer का बनाया है उसमें भी एक cloud बनाकर लिख लीजिएगा when light travels from denser to rarer medium, its speed increases and bends away from normal, और उस केस में ये normal से दूर चली जाती है, bends away from normal। तो ये बात हर बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात है, रिफ्रैक्शन कैसा फिनोमेनन है जिसमें लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, इस फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब जब लाइट रेयरर डेंसर से रेयरर जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है, रेयरर से डेंसर जाने पर स्पीड डिक्रीज हो जाती है, डेंसर से रेयरर आने पर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए एयर में लाइट की स्पीड कितनी थी, सी भाई मैंने एयर को वैक्यूम के ही बराबर मान लिया है,
पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी, सी से डिनोट किया गया है। और भाई दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड वी से डिनोट की गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कुछ वी हो गई है, कुछ चेंज आया होगा उसके अंदर, तो लाइट की स्पीड में कुछ चेंज आया है। भाई कितना चेंज आएगा लाइट की स्पीड में, कौन कितना रिफ्रैक्शन करेगा, कौन कितना ज्यादा बेंड करेगा, कितनी बेंड होगी ये नॉर्मल की तरह, कितनी बेंड होगी ये नॉर्मल से अवे, इन बातों को जानने के लिए एक फिनोमेनन आया है, एक टर्म आई है, एक फॉर्मूला आया है, और उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। में रिफ्रैक्शन कितना होगा, कितना चेंज आएगा वेलोसिटी स्पीड में, इसे समझने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, इसका फॉर्मूला क्या होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर आप वोटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वही इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू से डिनोट कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में एन से डिनोट कर सकते हैं। तो भाई म्यू सिंबल का यूज हो सकता है, एन सिंबल का भी यूज हो सकता है। और फॉर्मूला क्या है आपको मैं बता दूं कि कभी आपसे ये कहा जाए वोटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सिर्फ वोटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये कहा गया है आपसे, तो एयर से लाइट किसमें गई होगी, वाटर में। एयर से जब लाइट किसमें गई होगी, वाटर में, तो एयर में कितनी स्पीड थी, सी स्पीड थी भाई यहाँ पर, और वाटर में कितनी स्पीड हो गई, वी स्पीड हो गई है। स्पीड की इस रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा अगर ये पहला मीडियम जहां से लाइट आई है वो अगर एयर है, वो अगर वैक्यूम है, तो फिर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब कहते हैं जब पहला मीडियम आपके लिए क्या है, पहला मीडियम आपके लिए एयर है, लाइट एयर से, मैं एयर और वैक्यूम बार-बार यूज करता हूं भाई, मैं यही बताना चाहता हूं, एयर कहिए या वैक्यूम कहिए ये एक ही बात है, मैंने एयर में और वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं माने हैं भाई। तो यहां पर एयर में और वैक्यूम में कोई डिफरेंस नहीं है, जब ये पहला मीडियम वैक्यूम है, जब ये पहला मीडियम एयर है, एक ही बात हो गई, और इससे वाटर में जा रही है तो वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए या सिंपल कहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब सिंपली ये कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब ऊपर वाला मीडियम कौन था, वैक्यूम या एयर। जब कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास अगर ये होता तो यहां पर एयर होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, मिट्टी का तेल, तो यहां पर जो है वो केरोसिन होता, यहां पर वैक्यूम होता। तो किसी सिंपली अगर ये कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो फिर ऊपर वाला मीडियम कौन है, एयर। अगर ये कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, पूरी तरह से कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास, यानी अब ये मीडियम कौन सा होता, ग्लास। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा रिफ्रैक्शन तो तब भी होगा, उसकी भी बात करेंगे, बट पहला फॉर्मूला किसके लिए लिखवाया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखवाया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब ये एक मीडियम है, कोई वाटर है, ग्लास है,
और ऊपर जहां से लाइट आई है वो मीडियम जब आपका एयर है मान लीजिए भाई, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, या नीचे वाटर की बात कर रहे थे अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डब्ल्यू लिखा जा सकता है वाटर के लिए, एन के नीचे डब्ल्यू लिखा जा सकता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताइए, वाटर का बताइए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हर बच्चे को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा भाई, हर बच्चे को फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हर बच्चे को बिल्कुल क्लियरली ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है तो स्पीड की रेशियो क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। तो आपसे कहा गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, आपसे कहा जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और डिवाइड कर दीजिए इसको स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितनी है यानी जिस मीडियम की बात हो रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा, वैक्यूम में कितनी स्पीड है और डिवाइडेड बाई वाटर में कितनी स्पीड है, वैक्यूम में कितनी स्पीड है और डिवाइडेड बाई वाटर में कितनी स्पीड है। इसी तरह से अगर कभी कहा जाए स्पीड ऑफ लाइट, इसी तरह से कभी कहा जाए आपको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो अपने आप में ही सोच लीजिएगा दूसरा मीडियम ऊपर वाला कौन है, एयर है, और जब एयर मीडियम रखा गया है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितनी स्पीड है, और इसीलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी डिवाइडेड बाय वी, मतलब ग्लास में कितनी स्पीड है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपसे पूछा गया है, तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ऊपर वैक्यूम में कितनी स्पीड थी और उस मीडियम में एंटर करने के बाद कितनी स्पीड है, उसकी रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो हर बच्चे को ये बात बिल्कुल क्लियर हो, और मैं आगे भी बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप ये बात लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये स्पीड की रेशियो है, क्योंकि ये स्पीड की रेशियो है इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डाइमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है। तो ये बात सभी बच्चों को ध्यान रहे कि डाइमेंशनलेस क्वांटिटी है डाइमेंशन और यूनिटलेस क्वांटिटी है डाइमेंशन, क्योंकि स्पीड की रेशियो है इसलिए कोई इसकी यूनिट्स नहीं होती, कोई इसके डाइमेंशंस नहीं होते हैं। तो ये हर बच्चे को बात क्लियर हो गई हो, और अब क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखी गई है भाई, मैंने आते ही आपको फॉर्मूला समझाया,
लाइट की स्पीड को फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ लिखा जा सकता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब ये पानी में एंटर कर जाएगी या ग्लास में एंटर कर जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और भाई नए मीडियम की बात करी जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी भाई, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का कैरेक्टर है। लाइट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, लेकिन चेंज हो जाएगी लैम्बडा। तो इसलिए पहले मीडियम में अगर लैम्बडा 1 है तो दूसरे मीडियम में लैम्बडा 2 है। हर बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, स्पीड चेंज हो रही है और चेंज हो रही है उसकी वेवलेंथ। और मैंने क्वेश्चन एक आपके सामने रखा प्रैक्टिस के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए के अ बीम ऑफ लाइट, तो अ बीम ऑफ लाइट, तो अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। एक लाइट एयर से वाटर में जा रही है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। If refractive index of water is 4/3, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, find speed of light in water, तो लाइट की स्पीड वाटर में कितनी रही होगी ये हमें बताना है। हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास एक लाइट है जो एयर में ट्रेवल कर रही थी और एयर से वाटर में एंटर करेगी। लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो लाइट जब एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो आप ये बताइए कि भाई उसकी स्पीड कितनी होगी वाटर में। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का मैं म्यू से डिनोट कर लेता हूं, आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये जब होगा इस तरह से, तो आप ये देखेंगे कि भाई म्यू की वैल्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 गिवन है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और वाटर में कितनी स्पीड होगी ये हमें जानना है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इधर भेजिए 4 डिवाइड में, 3×9×10⁸ डिवाइडेड बाय 4, और भाई v इज इक्वल टू बराबर 4×2 = 8 बचा 1, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड ये नई स्पीड होगी वाटर में लाइट की। वैक्यूम में स्पीड कितनी थी, 3×10⁸ ज्यादा थी, और पानी में एंटर करने पर कितनी रह गई, 2.25, घटी है ना, डिक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि एयर आपका रेयरर मीडियम है और वाटर आपका डेंसर मीडियम है, इसलिए इस तरह का चेंज यहां पर आया है। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यहां पर लिख लीजिएगा इस बात को, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, यहां इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर दूं मैं, ये फॉर्मूला रह गया था, आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल कर दूं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम भी लिखा जा सकता है, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम भी लिखा जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आई है, when light travel from one medium to another, frequency remains same। पूछा जाए आपसे क्यों, तो आप लिखिएगा because it is the characteristic property of source। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी तो लाइट की सोर्स पे डिपेंड करती है जिसने इसे प्रोड्यूस किया है, जिस सोर्स ने लाइट को प्रोड्यूस किया है फ्रीक्वेंसी तो उसकी प्रॉपर्टी है। और इसीलिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ गई है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके सामने रखा, wavelength of light in vacuum is 6000 angstrom। एंगस्ट्रॉम 10^-10 लगाकर मीटर में चेंज किया जा सकता है, डिस्टेंस की छोटी यूनिट है ये और वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम 6000 एंगस्ट्रॉम थी। और आपसे पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट What is the wavelength of light in glass? What is the wavelength of light in glass? Glass में बताइए। और मैं आपको glass का refractive index बता दूं, 1.5 होता है या आप कह लीजिए 3/2 होता है। तो glass का refractive index क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, आप अपनी कॉपी में अपने आप से करके देख पाएंगे, वीडियो को पॉज करके देखिएगा इसको, बहुत आसान है ये और आप सभी करके दिखा देंगे, आप सभी कर पाएंगे क्वेश्चन को। आंसर ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम में कितनी है स्पीड और डिवाइडेड बाई मीडियम में ग्लास में कितनी है, इसे लिखा जा सकता है लैम्डा, वैक्यूम में वेवलेंथ कितनी थी और डिवाइडेड बाई ग्लास में कितनी हो गई है लैम्डा भाई, ये भी लिखा जा सकता है इसको इस तरह से, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 1.5 है। लैम्डा की वैल्यू वैक्यूम में 6000 एंगस्ट्रॉम, मैंने मीटर में चेंज नहीं किया इसको, क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्लास तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाइमेंशनलेस है। तो एंगस्ट्रॉम में पुट करूंगा तो लैम्डा 2 की वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में सोल्व करके आ जाएगी। तो इसीलिए लैम्डा 2 की वैल्यू यहां निकालू मैं 3 के टेबल में, ये 3 2000 और 2 इधर जाएगा तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ डिक्रीज हुई है, स्पीड डिक्रीज हुई है। हर बच्चे को ये बात समझ में आई होगी, एंगस्ट्रॉम में ए के ऊपर इस तरह से ये डॉट लगाया जाता है गोल डिग्री की तरह इस तरह से। तो हर बच्चे को ये बात क्लियरली समझ में आ जाए, इस लेक्चर में हर बच्चे को ये बात क्लियरली समझ में आ जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप लाइट की स्पीड एक मीडियम में गिवन है दूसरे मीडियम में जान सकते हैं।
एक मीडियम में वेवलेंथ गिवन है, दूसरे मीडियम की वेवलेंथ जान सकते हैं, और इसका असाइनमेंट इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। इसलिए इन इस तरह के फॉर्मूले पर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक और बात, अब की बार मैंने आपको ये कहा कि भाई मान लीजिए ये पहला मीडियम है, मान लीजिए ये मीडियम नंबर वन है, ये मीडियम नंबर वन है, और हमें नहीं पता ये एयर है या कौन है, तो जरूरी नहीं ये एयर हो, वाटर हो सकता है। और अब की बार ये मीडियम नंबर टू है, ये मीडियम नंबर टू है, और ये कोई डेंसर मीडियम है, एग्जाम्पल की तरह मानूं तो रेयरर मीडियम वाटर है और डेंसर मीडियम आपका ग्लास है। मान लीजिए भाई ये एग्जाम्पल कंसीडर किए, एग्जाम्पल किस तरह के कंसीडर किए भाई, मैं आपको बता दूं भाई, वाटर से जब ग्लास में लाइट ट्रेवल करती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। वाटर से जब लाइट ग्लास में ट्रेवल करती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, यानी ग्लास वाटर से ज़्यादा डेंसर है तो ग्लास वाटर से रेयरर है, इसलिए एक रेयरर मीडियम कहलाया और एक डेंसर मीडियम कहलाया। यहाँ पर तो एक रेयरर मीडियम कहलाया और एक डेंसर मीडियम कहलाया है, यहाँ पर तो एक को रेयरर मीडियम कहा गया और दूसरे को डेंसर मीडियम कहा गया। अब वैक्यूम नहीं है भाई, वैक्यूम के कंपैरेटिव पहला मीडियम वैक्यूम नहीं है, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, क्योंकि मैंने माना है वो रेयरर है ये डेंसर है, तो हर बच्चा बता सकता था कि भाई लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी क्योंकि ये रेयरर है और ये डेंसर है। मीडियम वन में लाइट की स्पीड वी वन है, मीडियम टू में लाइट की स्पीड वी टू है। अब आपसे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो अब जो तरीका है लिखने का वो लिखा जाएगा म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब लिखा जाएगा म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में गई है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के लिखा जाएगा, और ये रेशियो फिर वही है भाई, ऊपर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड और डिवाइडेड बाई नीचे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, वी वन डिवाइडेड बाई वी टू हो जाएगा। वैसे आप इस फॉर्मूले को मैं आगे बताऊंगा और किस तरह से लिख सकते हैं, फिलहाल मैं कह रहा हूं सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जा सकता था, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसे आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय सेकंड की स्पीड। ठीक इसी तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड के, यानी लाइट सेकंड से फर्स्ट में जाती, अगर लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट में गई होती, सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जाती तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का जिसमें गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का जिसमें गई है विद रिस्पेक्ट टू किसके, सेकंड के, और बराबर होता सेकंड की स्पीड जिसमें से आई है सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। यहां देखिएगा जो ऊपर है सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट अपॉन में सेकंड, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड की स्पीड अपॉन में फर्स्ट में स्पीड, ये रेशियो आपको क्या बताएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहां पर बताएगी। ये बात भी आपको क्लियर हो कि भाई अब इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का सेकंड के रिस्पेक्ट में या सेकंड मीडियम का
फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कहेंगे, क्योंकि अब ऊपर क्या नहीं है, वैक्यूम नहीं है, अब ऊपर क्या नहीं है, एयर नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब पहला मीडियम वैक्यूम है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जान रहे हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहलाएगा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है भाई, आपसे 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात आई है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात आई है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात आई है, क्या किस तरह का फिनोमेनन है ये, मैं आपको समझाता हूँ। आप सबसे पहले क्या कंसीडर करिए, आप सबसे पहले आप